हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गर्मी वेब सीरीज सीजन 1 की एपिसोड 3, 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। इसका फर्स्ट 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम गोविंद को अपनी लीडर, जो कि एक अखाड़े की गुरुजी है, उनसे मिलते हुए देखते हैं। लतीफ़ की मौत के लिए गुरुजी गोविंद पर गुस्सा करते हैं और उसके मौत के लिए जिम्मेदार रंजन को मारने का ऑर्डर देते हैं। इधर अरविंद और विश्वास अपनी क्लासमेट शुरभि और रिचिता के साथ एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। अरविंद का इंग्लिश बहुत ख़राब होता है, इसलिए वो इंग्लिश सीखने के लिए बुक खरीदने जाता है। तभी बिंदु अरविंद को बुलवाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रंजन बिंदु का आदमी है, और उसे धमकी देकर किसी को कुछ बताने के लिए मना करता है। फिर खुद को सेफ रखने के लिए बिंदु अपने बॉयज़ को भेजता है रंजन को मरवाने के लिए, पर रंजन को उनका प्लान समझ आ जाता है और उन पर हमला करके वो भाग जाता है। रात को जब अरविंद हॉस्टल में होता है, रंजन उसके पास आता है और उसे बिंदु से बचाने को कहता है। तभी रंजन को ढूंढता हुआ हॉस्टल के बाहर पुलिस आती है, तो अरविंद फ्यूज़ उड़ा के रंजन को पीछे के रास्ते से भगा देता है। अगली सुबह विश्वास अरविंद को बताता है कि वो अपनी क्लासमेट शुरभि को लाइक करता है। तभी बिंदु वहाँ आता है और रूम का फ्यूज़ उड़ा देख के समझ जाता है कि रंजन को भगाने में अरविंद का हाथ है, तो वो उसे धमकाते हुए दोबारा रंजन को बुलाने को कहता है, पर अरविंद ये काम करने से मना कर देता है। इसके बाद एक्टिंग रिहर्सल के टाइम प्रोफेसर विश्वास का रोल अरविंद को दे देते हैं, जिस कारण विश्वास अरविंद से नाराज होता है। दूसरी तरफ शहर से बाहर भागते टाइम रंजन को पुलिस पकड़ लेती है और मृत्युंजय, जो कि बिंदु के साथ मिला होता है, वो रंजन को जान से मार डालता है। रात को जब अरविंद अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में होता है, तो विश्वास सबको बता देता है कि अरविंद शुरभि को लाइक करता है। शुरभि उनके साथ होती है और वो अरविंद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। विश्वास को बुरा लगता है, क्योंकि वो भी शुरभि को लाइक करता है। कुछ टाइम बाद अरविंद के बर्थडे के दिन, जब शुरभि और अरविंद रिहर्सल हॉल के अंदर अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वहां दो बॉयज़ आकर एक लड़की सुमन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ सुन के अरविंद बाहर आता है और सुमन को बचाता है। दोनों बॉयज़ में से एक अरविंद पे गोली चलाता है, पर वो बच जाता है और दोनों बॉयज़ वहाँ से भागते हैं। सुमन बिंदु को बुलाकर सब बताती है और तभी कॉमरेड लीडर अंजनी आकर कहते हैं कि वो दोनों बॉयज़ बिंदु के पार्टी के हैं। 24 घंटे के अंदर अगर बिंदु ने दोनों बॉयज़ को पुलिस के पास नहीं भेजा, तो वो बवाल करेंगे। इसमें सुमन और अरविंद अंजनी का साथ देते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं, और एपिसोड 3 यही ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट और प्रोफेसर लाल बहादुर को अंजनी और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलके सुमन के साथ हुई घटना के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। जब गोविंद को पता चलता है कि बिंदु के लड़कों ने सुमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया था, तो वो मौके का फायदा उठा के खुद की पार्टी स्ट्रांग बनाने का प्लान करता है, पर कॉलेज पहुँच के देखता है कि कॉमरेड अंजनी इसका फायदा ऑलरेडी ले चुका है। सारे स्टूडेंट्स अंजनी के साथ है और सब गोविंद को अंडा फेंक के वहाँ से भगाते हैं। इधर कॉलेज प्रेसिडेंट बिंदु अपने दो लड़कों को पीटता है सुमन के साथ जबरदस्ती करने के लिए। मामला शांत करने के लिए मृत्युंजय दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लेता है। रात को गुरुजी बिंदु और गोविंद को बुला के उन्हें समझाते हैं कि अब उन दोनों के पार्टी के बीच कॉमरेड अंजनी का पार्टी स्ट्रांग हो रही है, इसलिए गुरुजी बिंदु और गोविंद को एक होकर अंजनी और उसके पार्टी के लोगों को मारने का ऑर्डर देते हैं। तो दोनों अपनी टीम के साथ मिलके सारे कॉमरेड्स को ढूंढ के मार डालते हैं और उनकी बॉडी को छुपा देते हैं, सारा सबूत मिटा देते हैं। कुछ लड़के कॉमरेड लाल बहादुर को स्टैब करके मारने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से वो भाग निकलता है। अगली सुबह एक ऑटो वाला बेला, जो कि उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, पार्क में जख्मी लाल बहादुर को देखता है और छुप के उसे अपनी भाई, जो कि एक डॉक्टर है, उसके पास ले जाता है। इधर बिंदु और गोविंद रिपोर्टर्स को बताते हैं कि जो लोग गायब हैं वो नक्सल थे, इसलिए कॉलेज छोड़ के भाग गए हैं, पर असल में उन्होंने गायब हुए लोग को मार दिया होता है। उस रात डिनर करते टाइम अरविंद को परेशान देख उसके दोस्त पूछते हैं, तो अरविंद बताता है कि उसे लगता है जो लोग गायब हुए हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स थे, हो सकता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, वो नक्सल थे। उसकी बातें वहाँ बैठे कुछ सीनियर्स सुन लेते हैं और अरविंद को उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे गुस्सा होकर अरविंद उन सबको पीट देता है।
अरविंद को भी चोट लग जाती है तो वो दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अरविंद कॉलेज नहीं जाता, उसका फोन बंद होता है, इसलिए सुरभि उसके दोस्तों से पूछती है तो विश्वास सुरभि को कल रात के बारे में बताते हुए कहता है कि अरविंद के फेस पर चोट लगी है और वो हॉस्टल में है। बॉयज हॉस्टल में लड़कियों का जाना मना है, फिर भी सुरभि सबसे छुप के अरविंद से मिलने बॉयज हॉस्टल जाती है और बिंदु को कहीं से इस बात की खबर लग जाती है तो वो अपने टीम के साथ हॉस्टल जाकर अरविंद और सुरभि को रूम के अंदर देख लेता है और उनके मुंह पर काली पोतने को कहता है। सुरभि डर के मारे भागती है और छत से कूद के अपनी जान देने की कोशिश करती है। इस घटना से अरविंद पूरा हिल जाता है और एपिसोड 4 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 शुरू होती है और पता चलता है कि सुरभि अभी जिंदा है। अरविंद उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। सुरभि के पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं तो अरविंद उनके सामने नहीं आता। बिंदु आकर सुरभि के पेरेंट्स को कहते हैं कि अरविंद सुरभि को हॉस्टल बुला के उसके साथ गलत काम करने की कोशिश किया था, इसलिए सुरभि अपनी जान देने की कोशिश की। इसके बाद बिंदु इस केस से बचने के लिए गोविंद से मदद मांगता है तो गोविंद हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय को पैसे देकर सुरभि की इंजेक्शन में जहर मिला के उसे मरवा देता है। सुरभि की मौत के लिए मृत्युंजय अरविंद को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर करता है, पर सुरभि की मां बदनामी के डर से केस वापस ले लेती है और अरविंद को छोड़ देने को कहती है। मृत्युंजय फिर भी अरविंद को नहीं छोड़ता क्योंकि अरविंद ने रंजन को भागने में मदद किया था और मृत्युंजय उससे इस बात का बदला लेना चाहता है। अरविंद को छुड़ाने के लिए उसका दोस्त अजय, जो कि वहां का पार्टी नेता जायसवाल का बेटा है, वो अपनी फादर से मदद मांगता है और अरविंद को जेल से छुड़ा लेता है। सुरभि की अंतिम संस्कार किया जाता है। अजय मामला ठंडा होने तक अरविंद को अपने घर में रुकने को कहता है। अरविंद बिंदु से सुरभि की मौत का बदला लेने के लिए गोविंद और अजय के साथ प्लान करता है। गोविंद उसका साथ देता है क्योंकि वो भी बिंदु से पीछा छुड़ाना चाहता है और एपिसोड 5 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिंदु को मरवाने के लिए गोविंद अपने लड़के की मदद से बिंदु के रूम का डुप्लीकेट चाबी बनवाता है। रात को गोविंद से बंदूक और चाबी लेकर अरविंद बिंदु के रूम के अंदर छुप के बैठा रहता है। जब बिंदु सोने के लिए अपने कमरे में आता है तो अंदर छुपा अरविंद बिंदु को बंदूक दिखा के पूछता है कि सुरभि हॉस्टल में उसके रूम में गई थी, ये बात बिंदु को किसने बताया। बिंदु कहता है कि उसे अरविंद का दोस्त विश्वास ने खबर दिया था क्योंकि विश्वास पहले से ही अरविंद पर गुस्सा था। इसके बाद अजय हॉस्टल में एक फ्रेंड के पास जाकर जोर से म्यूजिक बजाता है ताकि किसी को गोली की आवाज सुनाई ना दे और अरविंद बिंदु को शूट करके भागता है। अगली सुबह ऑफिसर मृत्युंजय अजय के घर जाकर बताता है कि बिंदु अभी जिंदा है और अरविंद को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे अरविंद पर शक होता है कि उसी ने बिंदु को शूट किया था। इस केस में अजय भी जुड़ा होता है, इसलिए अजय के फादर मृत्युंजय को रोकते हुए कहते हैं कि अरविंद रात को उनके घर पर था, वो इनोसेंट है। दूसरी तरफ बेला शब की नजरों से छुपा के लाल बहादुर का ट्रीटमेंट करता है, वो ठीक हो जाता है। बेला यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है और लाल बहादुर को उसे पढ़ाने को कहता है। अगले दिन अजय के फादर गोविंद अरविंद और अजय को लेकर गुरुजी के पास जाते हैं। सुरभि केस के बाद कॉलेज में अरविंद पॉपुलर हो चुका होता है, इसलिए गुरुजी अरविंद को वाइस प्रेसिडेंट गोविंद के पार्टी में शामिल होने को कहते हैं क्योंकि अगली इलेक्शन में गुरुजी बिंदु के जगह गोविंद को कॉलेज के प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं और अरविंद के शामिल होने से गोविंद का पार्टी स्ट्रांग होगा। पर अरविंद को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। पर गुरुजी उसे समझाते हैं कि मृत्युंजय बिंदु का दोस्त है, होश में आने के बाद बिंदु उसे सच बता देगा और मृत्युंजय अरविंद को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मृत्युंजय से बचने के लिए अरविंद गोविंद के पार्टी में शामिल होने के लिए मान जाता है। इसके बाद अरविंद विश्वास को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर उसका फोन नहीं लगता। अजय बताता है कि उसने विश्वास को बता दिया है कि अरविंद को पता चल गया है। विश्वास ने ही बिंदु को बताया था कि सुरभि बॉयज हॉस्टल में गई है, इसलिए विश्वास अपने घर वापस चला गया है। अजय नहीं चाहता कि विश्वास को कुछ हो क्योंकि वो उनका दोस्त है। अगले दिन मृत्युंजय हॉस्टल की स्टूडेंट से पूछताछ करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात अजय अचानक से हॉस्टल में लाउड म्यूजिक चलाया था। गोविंद कॉलेज में अनाउंस करता है कि अरविंद ने उसका पार्टी ज्वाइन किया है। कॉन्ट्रैक्टर अनिल कॉलेज के अंदर रास्ता बनाने का काम शुरू कर देता है। उस रात जब अरविंद और अजय मूवी देख के वापिस आ रहे होते हैं, बिंदु के लड़के उन पर हमला करते हैं, पर अरविंद उन सभी को पीट देता है।
उन बॉयज को पीटने के लिए अगले दिन मृत्युंजय अरविंद को पकड़ के ले जाता है और उसे टॉर्चर करके पूछता है कि क्या उसी ने बिंदु को शूट किया था। अरविंद अपना मुंह नहीं खोलता। गोविंद अपने टीम के साथ अरविंद को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और गुरुजी को कॉल करके मदद मांगता है, पर गुरुजी कहते हैं कि अरविंद को सजा मिलने दो क्योंकि उन्होंने अरविंद के कुंडली में देखा है कि फ्यूचर में अरविंद एक बड़ा नेता बनेगा। इसलिए गोविंद अपने टीम के साथ वहां से चला जाता है और मृत्युंजय अरविंद को टॉर्चर करना कंटिन्यू रखता है और एपिसोड 6 यही खत्म हो जाती है। इस सीजन के बाकी सारे एपिसोड्स मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूंगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।